हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन, और मोशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है हमारा ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अब हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी, यानी कि इसमें टाइम का कोई भी मैटर नहीं करता, बस ये डिपेंड करता है कि बॉडी आपकी कितना ट्रेवल डिस्टेंस कर रही है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम इस डेफिनेशन को जानेंगे एक एक्टिविटी से। एक्टिविटी, अब हम जानेंगे एक्टिविटी से यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए हमने बुलाया भोलू, और भोलू से बोला भाई भोलू हमें यूनिफॉर्म मोशन समझाओ। तो भोलू ने बोला कि यूनिफॉर्म मोशन दो वर्ड से मिलकर बना है, यूनिफॉर्म और मोशन। जैसे हम जानते हैं यूनिफॉर्म, स्कूल में क्या होती है हमारी यूनिफॉर्म, इसमें क्या होते हैं सारे बच्चे हमें इक्वल और एक जैसे दिखाई देते हैं। तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है, सिमिलर और इक्वल। मोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर करता है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। तो हमने मोशन को डिस्क्राइब करा डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम इन दोनों वर्डों को मिक्स कर देंगे, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा। और लास्ट, कॉन्स्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन को हम कॉन्स्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का यदि हम इसे लेंगे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस को लेंगे टाइम, जब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा क्या बनाती है आपकी, स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और टाइम। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। जैसे हमारी क्लॉक की निडल हैंड जो मूव करती है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म मोशन में। नेक्स्ट, हमारा जो अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, यानी कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड में मूव करता है, वो भी हमारा एग्जाम्पल क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। डेफिनेशन, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक्टिविटी, अब हम एक्टिविटी से समझेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए हम बुलाएंगे भोलू को। अब हमने भोलू से बोला भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझाओ, तो भोलू ने बोला कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नॉन यूनिफॉर्म और मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स पार्टी क्लब। यदि क्लब में हम पार्टी में देखते हैं तो सारे स्टूडेंट सारे बच्चे अलग अलग यूनिफॉर्म में होते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट और अनइक्वल। मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ पास को कवर करता है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब हम दोनों वर्डों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट पॉइंट, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा हमारा, इसमें कर्व लाइन होता है। और थर्ड, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो वो क्या फॉलो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम ग्राफ जानेंगे। अब हमारा ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या होता है, इसका कर्व लाइन। तो ये हमारा कर्व लाइन किसको रिप्रेजेंटेड करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है, डेली लाइफ में हम जो स्पीड से चलते हैं, कभी धीरे कभी स्लो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है हमारा स्केटिंग, इसमें हम स्पीड हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ये हम झूला झूलते हैं, ये भी हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और लास्ट में, यदि कोई कार में हम ब्रेक लगाते हैं या हम स्पीड देते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट, स्पेशल नोट्स ऑन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे।
कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन, यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, डीएक्सीलरेशन, यानी कि जब हम किसी को रेज देते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं या वेलोसिटी को हम डिक्रीज करते हैं, तो दोनों एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। एट द लास्ट, माई यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा विच प्रोवाइड ईजी, स्मार्ट एंड फ्री एजुकेशन फॉर 9th, 10th एंड 11th, 12th। मोर एंड मोर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।